हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एनफिल का लेक्चर नंबर 7। और इसमें करेंगे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व, सिद्ध करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, जो आपके बिहार बोर्ड में ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये आपका लेक्चर जो आज का है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। ठीक है, आज इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, समझे? तो एकदम आसानी से आप लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर को फॉर्म में जो है लिखना सीख जाइएगा। चलिए देखिए ध्यान से, तो क्या करने वाले हम लोग? कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हिंदी में क्या कहेंगे? सदिश रूप में कूलम का नियम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? 2 पॉइंट चार्ज लेंगे, वो भी दोनों पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसमें पोजिशन वेक्टर लेना पड़ता है। अब क्या होता है पोजिशन वेक्टर बताएंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए, दो हम लोग पहले चार्ज लेते हैं, पहले तो पोजीशन वेक्टर लेते हैं। ये पोजीशन वेक्टर R1 मान लेंगे इसको, ये पोजीशन वेक्टर R2 मान लेंगे इसको। ठीक है, यहां पे हम लोग लेते हैं Q1 चार्ज, पॉजिटिव है, और यहां पर लेते हैं हम लोग Q2 चार्ज, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर R1 है। ठीक है, आप चाहे तो यहां पर, यहां Q1 है तो यहां पर R1 लीजिए। ये पोजीशन वेक्टर R1 है, ये पोजीशन वेक्टर R2 है, कोई दिक्कत? ये आपका ओरिजन है। क्या है? ओरिजन है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर बहुत लोग जो है AB भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि R1 या R2 पोजीशन वेक्टर क्यों लेते हैं, कि डायरेक्शन इसमें देना पड़ता है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में प्रूफ करना है ना, तो वेक्टर फॉर्म में विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और विथ डायरेक्शन चाहिए होता है। ठीक है, अब देखिए Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 से Q2 के तरफ जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे? Q1 से जो Q2 के तरफ जो डायरेक्शन होगा ना, उसको हम लेते हैं R1 से 2 की तरफ ना, 1 से 2 की तरफ, तो R12 वेक्टर। और Q2 से तरफ Q1 का जो होगा डायरेक्शन, वो क्या लेंगे? R21 वेक्टर। क्या होगा? R21 वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें? 1 से 2 की तरफ तो R21, और 2 से 1 के तरफ तो R21, कोई दिक्कत? 1 से 2 की तरफ गए 1 से 2 तो R12 वेक्टर, 2 से 1 के तरफ गए तो R21 वेक्टर। अब कहिएगा सर ये Q1 है, ये Q2 पर तो फोर्स लगाएगा? हाँ लगाएगा। कैसा लगा? आकर्षित की प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण लगाएगा। कैसा लगाएगा? तो आइए, तो ये Q1 जो है ये Q2 पर लगाया इस तरफ बल। ठीक है, ये Q1 जो है ये Q2 पर इस तरफ बल लगाएगा कि प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। फोर्स लग रहा है 2 पर ड्यू टू 1 के कारण। ठीक है, अब Q1 भी Q2 पर लगाएगा, पर Q1 भी Q2 पर लगाएगा। विकास कुमार बंद कीजिए उसको, Q1 ये इसीलिए तो नहीं समझ में आता आप लोगों को, क्लास करते रहते हैं आप लोग, लिखते रहते, कैसे समझ में आ जाएगा? घरे भी तो समय है ना लिखने के लिए। हाँ, या अब देखिए Q1 पर Q2 लगाएगा बोलते क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स लग रहा है किस पे? 1 पे, इसके अलॉन्ग होगा, इसके अलॉन्ग, हाँ इसी के अलॉन्ग, याद रखिएगा। चलिए ये समझ में आ रहा ना, इसी के अलॉन्ग होगा, इसको हम अधिक कर देते हैं। यही तो इसके अलॉन्ग लगाएगा पर, तो फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये हो गया, अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी Q1 पर बल लगाया Q2, तो Q1 पर बल लगाया Q2, और ये Q2 पर बल लगाया क्या? Q1, तो यहां हमने लिख दिया, कोई दिक्कत? अब देखिए 5 मार्क्स आपको लेने हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, तो हमको जितना हमने ये बात लिखा है यहाँ पे ना, यहाँ पर किया है इस चित्र में, इस फिगर में, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे, पहले लिखेंगे लेट, क्या लिखते हैं? लेट पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 लाइक चार्ज, दो समान आवेश ना लिए हैं भाई, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ 2
लाइक चार्जेज क्यू वन एंड क्यू टू बी क्या लेते हैं आर वन वेक्टर, ये पोजिशन है ना आर वन वेक्टर एंड आर टू वेक्टर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने पोजीशन वेक्टर लिया, किसका पोजीशन वेक्टर लिया भाई, दो लाइक चार्ज, दो समान आवेश Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर R1 और R2। Q1 ओरिजिन से Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है R1 वेक्टर ना, ओरिजिन से Q2 का जो है, ये ओरिजिन से Q2 का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मतलब हिंदी में स्थिति सदिश, आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में, किसमें, मोशन इन स्टेट लाइन क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 4 में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहां अब क्या करेंगे, इसको हिंदी में लिख देते हैं कि हिंदी माध्यम के लिए है, तो लिखेंगे माना, कलम चेंज कर लेते हैं, माना दो समान आवेश Q1 और Q2 का स्थिति सदिश क्रमशः आर वन वेक्टर और आर टू वेक्टर है, ये लिख दीजिएगा, इतना लिखना पड़ेगा। अब आपको लिखना पड़ेगा ये आर टू वन वेक्टर क्या होगा, आर वन टू वेक्टर ही क्या होगा, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा आप लोगों को एक कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं, आप लोग अगर वेक्टर एडिशन पढ़े होंगे, हम तो चाहेंगे तो डायरेक्ट आपको रटा देंगे, ये कहेंगे आर वन टू का लिख लीजिए आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, लेकिन पूछेगा सर ये आया कहां से, ये आया कहां से, तो देखिए कहां से, ऐसा बताते हैं, जब दो वेक्टर्स क्या हो, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो इसका रिजल्टेंट जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसे है ऐसे जा, तो ऐसे जा करके ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे नहीं होकर के ये ऐसे होगा, तो इसका होगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्या होगा, तो ए वेक्टर जोर बी वेक्टर बराबर रिजल्टेंट वेक्टर, तो ए वेक्टर जोर बी वेक्टर बराबर इसका रिजल्टेंट वेक्टर, कोई दिक्कत। अब मान लेते हम ले लेते एक ये पी वेक्टर है और ये आपका क्यू वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, सुनिए ई होगा कि ई होगा, पहला वाला होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये इसके अपोजिट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वही रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, ठीक है, तो इसको हम ले देंगे पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर जोर क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखिए यहां देखिए ई हेड है, ई टेल है, ये हेड है वेक्टर का, हेड टेल, तो इससे सेम डायरेक्शन में हो गया, और यहां देखिए यहां दोनों क्या है, हेड है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, कोई दिक्कत, तो वही पे हम यहां हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे R12 का R21 का, ठीक है, तो आइए देखते हैं, तो यहां हमने लिख दिया, लेकिन यहां देखिए ये क्या है आपका, ये आर टू वेक्टर, ये क्या है आपका, तो लिखते हैं ये आर, ये है आपका आर टू वेक्टर, ये है आपका R1 वेक्टर, पहले किसका निकाले R12 का, चलिए R12 वेक्टर निकालते हैं, देखिए और तो देखिएगा दो दो सेम डायरेक्शन में कौन है, एगो R1 वेक्टर है, एगो R2 वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ये सेम डायरेक्शन में, आ इसके ये अपोजिट में है कौन, R2 वेक्टर, तो रिजल्टेंट कौन हुआ, रिजल्टेंट ये हुआ R2 वेक्टर, तो ये R2 का मान निकालेंगे, अगर ये R2 का आर टू वेक्टर बराबर, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना हमको, आर वन वेक्टर, आर वन वेक्टर जोड़ आर टू वन वन टू वेक्टर, आर वन टू वेक्टर हमको निकालना क्या है, आर वन टू वेक्टर, तो इसको क्या करेंगे, आर वन वेक्टर को इधर ले आएंगे, उधर प्लस में इधर माइनस में, आर टू वेक्टर प्लस में आर वन वेक्टर, इधर आके माइनस में आर वन वेक्टर, बराबर हो जाएगा आर वन टू वेक्टर, तो आर वन टू वेक्टर क्या हो गया, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, तो यहां लिख देंगे R12 वेक्टर, R12 वेक्टर बराबर क्या लिख देंगे,
आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर सिमिलर, सिमिलरिटी मतलब उसी प्रकार ना, जो आर टू वन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, जब ये आर वन टू तो टू वन हो गया, तो आर टू वन अगर वेक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। कोई दिक्कत आइए अब इसको लिख लेते हैं, क्योंकि पांच नंबर चाहिए है तो लिखना पड़ेगा, तो चाहिएगा कि पूरा लिख दीजिए पांच नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा पांच नंबर, दो नंबर तीन नंबर दे देगा आपको, ठीक है। हाँ ये चीज घास घास के नहीं आना है एग्जाम में ये सब चीज, ठीक है। अब आइए अब ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे फोर्स वन टू वेक्टर का और ये फोर्स टू वन, देखिए ये आपका फोर्स वन ड्यू टू टू वेक्टर, इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो लिखेंगे फोर्स ऑन वन मतलब क्यू वन, फोर्स लगा किस पर, क्यू वन पर, किसने लगाया, क्यू टू ने, क्यू टू ने लगाया इसको इधर भेज दिया, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू क्यू टू, ड्यू टू क्यू टू, कोई दिक्कत। देखिए क्यू टू के कारण, क्यू टू के कारण क्यू वन पर बल, Q2 के कारण Q1 पर, हिंदी माध्यम वाला लिखेगा Q2 के कारण Q1 पर बल, या यहां Q2 के जगह पे बाय लिख दीजिए, Q2 के द्वारा Q1 पर बल, Q2 के द्वारा यहां बाय लगा दीजिएगा, तो अब देखिए हिंदी वाला लिख लीजिएगा, अब लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 मतलब Q1 के कारण, Q1 के कारण Q2 पर बल, ठीक है। कोई दिक्कत आइए यहाँ, अब हम लोग इतना लिखने के बाद अब हम निकालना शुरू करते हैं, किसी एक को निकालेंगे और दूसरे से सिमिलर कर देंगे, ठीक है। निकालते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो भाई कूलम्स लॉ से फोर्स का फोन आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स क्या होता है, किसी को मालूम है, बोलिए। K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ये तो सर स्केलर फॉर्म में है, आपने बोला तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म कहाँ बढ़ जाइए, वेक्टर फॉर्म कहाँ कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं, आप भी जो आपका जो डायरेक्शन है, ये भी जो डिस्टेंस है ना, ये आर आर के जगह पे हमको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो क्यू टू ने लगाया क्यू वन पे, तो क्यू टू ने क्यू वन पे, क्यू टू ने ऐसे लगाया, तो ई बला क्या हो जाएगा, ये ले लेंगे हम लोग डिस्टेंस के जगह पे क्या लेंगे, पोजीशन बेटर क्या लेंगे इसका, आर टू वन, आर तो यहां ले देंगे आर टू वन का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, अभी भी तो ये अभी भी तो हमको लग रहा है आर टू वन, अभी भी तो हमको लग रहा है कि ये क्या है, आपका स्केलर फॉर्म में ही है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं, किसे गुना करते हैं, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कौन किसका लेंगे, इसी का लेंगे, आर टू वन का लेंगे, यूनिट वेक्टर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो जो वेक्टर होगा स्केलर फॉर्म, वो वेक्टर फॉर्म में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, वेक्टर फॉर्म में, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैप, मान लीजिए a का यूनिट वेक्टर, तो a कैप, तो a कैप का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है किसी को, हाँ a वेक्टर बटा में a का मॉड, a वेक्टर बटा में a का मॉड, तो चलिए देखिए, तो हम लोग इसी का यूनिट वेक्टर लेंगे, r टू वन का यूनिट वेक्टर, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो k q1 q2 बटा में r टू वन का मोड का स्क्वायर, मोड नहीं लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, मोड नहीं भी लिखेंगे ना, अगर हाँ मोड देखिए स्केलर वेक्टर को अगर स्केलर बनाना होता है तो हम मोड लगाते हैं, जैसे हमारा ए वेक्टर है, इसको मोड इसको हम स्केलर कैसे बनाएंगे, तो वेक्टर में है, अब यहाँ लगा देंगे मैग्नीट्यूड, क्या हो गया आपका स्केलर फॉर्म में हो गया, और नहीं तो डायरेक्ट अगर ए लिख दीजिए तो भी स्केलर फॉर्म में, इसी वेक्टर को अगर स्केलर में लगाना है तो मोड लगा दीजिए, पता है ना बात, ये बात आपको वेक्टर को स्केलर बनाते हैं मोड लगा दीजिए, स्केलर को वेक्टर में लगा बदलना है तो यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, हाँ यूनिट वेक्टर से गुना कर दीजिए, ये बात है, तो ये मोड लगा दिए, तो अब नहीं भी मोड लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए ध्यान से इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, आर टू वन का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
आर टू वन वेक्टर बटा में आर टू वन का मॉड। कोई दिक्कत? अब गौर से देखिएगा, ई भी आर टू वन का मॉड है, ई भी आर टू वन का मॉड है, तो दोनों तो स्केलर फॉर्म में है, तो गुना आराम से हो जाएगा। क्या स्केलर में तो गुना हो जाएगा सीधे, तो क्या लिख देंगे यहां देखिए, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और के का मान के जगह पे बहुत जगह किताब में लिखा रहता है एक बटा चार पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी लिख देते हैं एक बटा चार पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन गुना क्यू टू, क्यू वन गुना क्यू टू बटा में सुनिए आर टू वन का स्क्वायर है ये वो आर टू वन है, क्या हो जाएगा आर टू वन का क्यू हो जाएगा ना, इंटू में अब क्या है ई तो अकेले बच गया आर टू वन, आर टू वन का वेक्टर। ये आपका किस फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म में। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं दिखेगा सही सिर्फ जी, अच्छा रुकिए सबको ले लेते हैं, आया समझ में ये चीज? देखिए ये हमारा हो गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये वेक्टर में है, ये भी आपका वेक्टर में हो गया क्योंकि यहां वेक्टर से गुना हो रहा। अब सिमिलर इसी प्रकार हम लिख देंगे सिमिलर, क्योंकि अब निकालना तो नहीं पड़ेगा, ये अब चाहिएगा आप तो इसको भी निकाल सकते हैं, तो इसको भी तो सेम तरीके से निकालना पड़ेगा, तो काहे निकालेंगे सीधे लिख देंगे सिमिलर, क्या लिख देंगे सिमिलर, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू तो बस यही लिख दीजिए एक बटा चार पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बटा चार पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या हो जाएगा क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू बटा में आर, यहाँ टू वन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा वन टू, क्या हो जाएगा आर वन टू के मोड का होल क्यू ना, इंटू में क्या हो जाएगा आर, यहाँ टू वन है तो वन टू का मोड वेक्टर। कोई दिक्कत? बात समझ आया? चलिए अभी ठीक है माइक, तो हो गया भाई साहब आप लोगों को समझ में आया, इतना लिख दीजिएगा पांच नंबर एकदम आसानी से मिल जाएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट कीजिए, ठीक है शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए रिवीजन करते रहिए, ऑल द बेस्ट।